सो डियर फ्रेंड्स, आई डॉक्टर शमशेर सिंह वेलकम यू ऑल ऑन माई फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। सो इन दिस टूडे आई विल डिस्कस विद यू दैट वाट इज़ ए रिसर्च प्रपोजल। एक रिसर्च प्रपोजल क्या रहता है, वाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। तो आपको अगर कभी भी ग्रांट लेना है, इफ़ यू वॉन्ट टू राइट एनी प्रपोजल, देन वट आर द डिफरेंट पार्ट्स। तो दोस्तों, रिसर्च प्रपोजल इज़ ए समरी, इट इज़ ए कंसाइज समरी ऑफ एनी थिंग विच यू आर राइटिंग। सो एक पहली चीज़ तो ये कि एक समरी रहता है जो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। सेकेंड अगर आ जाए कि रिसर्च प्रपोजल का कौन कौन सा पार्ट्स रहता है, द फर्स्ट पार्ट इज़ ए टाइटल एंड द सेकेंड पार्ट इज़ ए अब्स्ट्रैक्ट, थर्ड पार्ट इज़ योर लिटरेचर, योर बैकग्राउंड, फोर्थ पार्ट इज़ योर नेशनल इंटरनेशनल स्टेटस, फिफ्थ पार्टी योर मैथडोलॉजी, सिक्स पार्टी योर प्लानिंग एंड सेवन्थ पार्ट ऑफ योर प्रपोजल इज़ ए बजट। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ बात करता हूँ कि कैसे हमें टाइटल लिखना चाहिए। सो सबसे पहले तो ये है कि इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च, तो आपको जब भी एक रिसर्च प्रपोजल लिखना है, देन यू शुड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट एरिया। आपको पहले तो एक एरिया पता होना चाहिए कि मेरे को किस एरिया पर काम करना है। देयर आर टू थिंग्स, द वन थिंग इज़ दैट वन इज़ द हॉट एरिया, जो कि आज की डेट में चल रहा है। मान लो आपको ये देखना है कि आई वॉन्ट टू टेक ए रिसर्च प्रोजेक्ट फ्रॉम इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी, और इफ़ यू आर इन इंडिया, यू वॉन्ट टू टेक ए रिसर्च ग्रांट फ्रॉम द इंडियन एजेंसी। सो इंडियन में सपोज देर इज़ ए DBT, देर इज़ ए DST, देर इज़ ए ICMR, देर इज़ ए CSIR, and there are some other agencies like UGC, AICT which provide some funds for the proposals. तो first thing you should look for the problem, कि वो किस type का fund आपको देना चाहते हैं। Suppose जैसे कि there is a lot of pollution in the environment, उस पर वो काम कर रहे हैं, जहाँ day by day there is a contamination of the water, ये water purification के लिए काम कर रहे हैं। या थर्ड थिंग, द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द स्किन इन्फेक्शन और द प्रॉब्लम, वो उसके लिए प्रोजेक्ट देना चाहते हैं। जहाँ वो ये देख रहे हैं कि लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, वो उसके लिए प्रोजेक्ट देना चाहते हैं। तो फर्स्ट थिंग, जब भी आप एक प्रपोजल को डिज़ाइन करते हैं, उससे पहले आपको यू शुड सेलेक्ट द हॉट एरिया। उसको कहते हैं हॉट एरिया, बिकॉज उन्होंने वो एरिया सेलेक्ट किए होते हैं जिस पे उन्होंने आपको प्रोजेक्ट जो है वो फंड करना है, द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, यू कैन डू योर प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन द जनरल प्रॉब्लम्स। जनरल प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं, सपोज लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द जॉइंट पेन, लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द माइग्रेन, लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरटेंशन, लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम एनी अदर डिसऑर्डर। सो दैट मीन दीज आर द जनरल प्रॉब्लम्स थ्रू विच पॉपुलेशन इज सफरिंग। तो आपको इस टाइप का प्रोजेक्ट लिखना है। एंड द थर्ड थिंग, यू आर विलिंग टू राइट ए वाइड प्रोजेक्ट। एक वाइड प्रोजेक्ट लिखना चाहते हैं। सपोज यू वॉन्ट टू टेक योर प्रोजेक्ट फ्रॉम इन विट्रो टू इन विवो एंड देन फॉर द क्लिनिकल एनालिसिस। तो आप एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट लिखना चाहते हैं। सो सपोज हाउ यू सेलेक्ट योर टाइटल, आपको अपने टाइटल का सिलेक्शन कैसे करना होता। सो फर्स्ट थिंग है कि जो आपका टाइटल होना चाहिए वो कंसाइज होना चाहिए, दैट विल टू नॉट ब्रॉडर, बहुत बड़ा ना हो, इट मस्ट बी कंसाइज। सेकेंड थिंग, इट मस्ट कंटेन सम ऑफ द वर्ड्स विच आर हाईलाइट्स, विच आर की वर्ड्स। सो दैट मीन द फर्स्ट थिंग, डिजीज़ का पता होना चाहिए, टाइटल शुड कंटेन डिजीज़, इट शुड कंटेन सम ऑफ द मॉडल, सम ऑफ द नेम ऑफ ड्रग, एंड देन यू शुड राइट अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मस्ट बी ए वेरी कंसाइज एंड ए शॉर्ट, एंड इट शुड बी टूवर्ड द टारगेट साइट, वो टारगेट साइट की तरफ होना चाहिए, आइदर इट इज़ ए 150 वर्ड, 250 वर्ड, लाइक दैट। द थर्ड थिंग इज़ ए बैकग्राउंड, तो आप अपने प्रोजेक्ट को किस बैकग्राउंड से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। सो दोस्तों, बैकग्राउंड में दो चीज़ें आ जाती हैं। टुडे अगर हम देखें तो एजेंसीज दे गिव ए प्रोजेक्ट ऑन द टू बेसिस। फर्स्टली दे लुक दैट वेदर यू हैव वर्कड इन दिस एरिया और नॉट। अगर आपका उसमें पहले से पब्लिकेशन है तो देन यू कैन इजली गॉट योर प्रोजेक्ट। अगर आपका उसमें प्रिलिमिनरी वर्क नहीं है
तो यू शुड डू प्रिलिमिनरी वर्क, आपको पहले से कुछ काम करना होगा, देन दैट वर्क विल बी सपोर्ट टू यू फॉर गेटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, आपको वो सपोर्ट करता है, तो यू कैन डू दिस थिंग. द थर्ड थिंग योर मैथोडोलॉजी विल बी फाइन, विल बी रिड्यूस एंड विल ऑक्यूपाई एंड विल मस्ट cover all the things which you want to find, which you want to evaluate, which you want to analyze. आपका methodology clear होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ तक करना चाहते हैं, और आपके पास what is the end product, what is the conclusion. And the next thing which is important, it is a planning of your methodology. तो आप उसका एक planning करें, गैंट चार्ट बना लें कि हम इस पर्टिकुलर मंथ से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे एंड वी विल एंड एट दिस. दिस इज मस्ट. अगर आप अपना प्लान नहीं करते तो एजेंसी कैन नॉट फंड यू एनी प्रोजेक्ट, बिकॉज इट इज मस्ट दैट यू शुड प्लान योर टेन्योर ऑफ योर प्रोजेक्ट, कितनी देर में आपको ये काम खत्म करना है. सो द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोजेक्ट, इट इज मस्ट दैट बजट. तो बजट इज़ वेरी मच नेसेसरी. फर्स्ट थिंग, आप जब भी कोई प्रपोजल को अप्लाई करते हैं तो उसमें देयर आर सम गाइडलाइंस विच आर गिवन बाय DST, ICMR और अदर एजेंसीज, CSIR. तो दे गिव सम गाइडलाइन, यू रीड दी गाइडलाइन दैट हाउ मच मैक्सिमम फंड दे कैन प्रोवाइड टू यू. अगर वो आपको 50 लाख देना चाहते हैं तो यू शुड अप्लाई एटलीस्ट फॉर 40-42 lakh और मैक्सिमम 45 lakh. डोंट अप्लाई फॉर 50 lakh बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम लिमिट. If they are giving to open call that there is a no any fund limit, then it depends upon you. आप 1 crore का लिखें, उससे ज़्यादा लिखें. So that funding as budgeting is very much necessary. And in the budget, you should explain and you should write there that these are the chemical, this is the limit of chemical, this is the quotation of chemical. ये must है कि आप वहाँ पर ज़रूर बताएं उनको कि मैंने कोटेशन ले रखा है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट इतने का आ रहा है, ये मेरा जो केमिकल है उसका इतना कॉस्टिंग है. उसको प्रॉपरली कंक्लूड करके उसका आप बजटिंग करें, और बजटिंग करने के बाद आप अपना जो भी उसमें पर्सन यू वांट टू हायर, बजट के बाद एक रहता है केमिकल का बजट, दूसरा आपका रहता है मैन पावर. तो मैन पावर को आप देख लें कि आपको मैन पावर क्या चाहिए, GRF चाहिए, और यू कैन डू योर प्रोजेक्ट थ्रू योर MPharm स्टूडेंट जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जहाँ आपको SRF चाहिए, जहाँ आपको रिसर्च एसोसिएट चाहिए. तो आप उसके अकॉर्डिंग उनका लेआउट देख लें कि वो GRF को कितना फंड देते हैं पर मंथ. अकॉर्डिंगली यू कैलकुलेट फॉर द ईयर्स, 1 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल का है, 3 साल का है. द सेकेंड थिंग, अगर SRF है तो उसके लिए भी उनका देखें वाट इज़ द मैक्सिमम ग्रांट विच स्कॉलरशिप दे आर गिविंग टू SRF, और SRF के साथ उसका HRA कितना रहता है, क्योंकि HRA 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ABC. कुछ एरिया में परसेंटेज ऑफ HRA इज़ मोर, कुछ मिडल में आते हैं, कुछ लोवेस्ट में आते हैं. तो उसको आप अच्छी तरह देख के अपना बजट जो है उसको कैलकुलेट करें. जब ओवरऑल अपने प्रोजेक्ट को कैलकुलेट कर लें तो उसको प्रॉपरली रीड करें, रिफाइन करें, एंड देन यू गो फॉर सबमिशन. अब सबमिशन के लिए आपको क्या करना होगा, DST, DBT, ICMR, UGC की जो वेबसाइट है उस पर आपको रजिस्टर्ड करना होगा, और रजिस्टर्ड करने के अकॉर्डिंग जिस गाइडलाइन को आपने फॉलो किया है उस पॉइंट वाइज आपको प्रोजेक्ट को वहाँ पर कॉपी करके सबमिट करना होगा. और सबमिशन के बाद वो आपको मेल कर देते हैं कि योर प्रोजेक्ट वी हैव रिसीव. सो दिस इज़ ए वेरी सिंपल मेथड हाउ यू कैन राइट प्रोजेक्ट एंड हाउ यू कैन सबमिट द प्रोजेक्ट. यू ऑलवेज सब्सक्राइब दिस चैनल फार्मा लर्निंग सो दैट यू कैन गेट बेटर टू बेटर वीडियोज़ इन द कमिंग टाइम्स. थैंक यू वेरी मच.